हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ले आया हूँ आज मैं। अगर मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है DFC की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको 2019 में बनाई गई मेरी बहुत सारी अपडेट वीडियो में DFC के ऊपर बता रखा है कि कुछ काम 31 मार्च 2020 तक होने वाले थे, तो आज जब मार्च का महीना चल रहा है तो ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था आपको। क्या कितना काम मार्च तक लिमटा चुका है हमारा DFC, और जो उसने कहा था डेडलाइन रखी थी क्या वो उसके ऊपर बिल्कुल खड़ा उतरा है कि नहीं उतरा, तो मैं आपको बताऊंगा EDFC और WDFC दोनों के ही बारे में इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं EDFC की। EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि खुर्जा टू भडान तक 192 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो खुल चुका था 2019 तक, और वहाँ पर जो चल रहा था ट्रायल वो ख़त्म भी हो गए थे। उसके बाद वहाँ पर मालगाड़ियाँ जो हैं, जो फ्रेट ट्रैफिक है, वो ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। लगभग प्रेजेंटली अब तक 1000 मालगाड़ियाँ वहाँ चलाई जा चुकी हैं अभी तक। तो अब जो प्लानिंग थी वो 31 मार्च तक ये थी कि कानपुर तक पहुँचना है, तो कानपुर के भावपुर तक पहुंचना था। भावपुर जो DFC का एक रेलवे स्टेशन है, तो भावपुर तक का 31 मार्च तक का काम जो है वो DFC अब बोल रहा है कि उसने कर दिया है। तो खुर्जा से लेके भावपुर तक का जो पूरा ट्रैक है वो 350 किलोमीटर का ट्रैक है। इसका पूरा 100% लगभग काम पूरा हो चुका है, ऐसा बताना है हमारे MD अनुराग सचान जी का, जो कि DFCCL के MD हैं। और इस पर जो ट्रायल है वो भावपुर तक लिया जा चुका है, उनका ये कहना है। तो ट्रायल लिया जा चुका है, बहुत जल्द 31 मार्च के आसपास आपको वहां पर फ्रेट ट्रैफिक देखने को मिलेगा भावपुर तक भी। तो अभी खुर्जा से भडान तक जा रहा था, भडान से भावपुर तक भी जा पाएंगी हमारी मालगाड़ियाँ। और ऐसे ऐसे हमारी जो टेस्टिंग है ट्रैक्स की DFC के, वो भी होती जा रही है साथ साथ, और बहुत जल्द ये और आगे बढ़ता दिखेगा आपको प्रयागराज तक भी। तो देखना होगा आप कहाँ तक ये ट्रैक जल्दी जल्दी बना पाता है DFC, और 31 मार्च तक EDFC का काम जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिया है, ये आप मान के चलिए। अब बात करते हैं WDFC की। WDFC की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आई थी 2019 के एंड में, और मैंने आपको बताया था कि रेवारी टू मदार तक का 306 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो खोल दिया गया है। किस चीज़ के लिए? ट्रायल रन के लिए। तो ट्रायल रन वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और वहाँ बड़े बड़े जो अफसर हैं DFC के, वे हर वक्त ट्रायल जब भी होता है वहाँ पे जाते हैं और चेकिंग करते रहते हैं कि पूरी तरीके से काम सही चल रहा है कि नहीं। तो WDFC का मैंने आपको बताया था कि मदार तक का तो काम हो गया है, लेकिन मदार टू पालनपुर 31 मार्च 2020 तक जोड़ दिया जाएगा। ये खबर जो मैंने बताई थी ये अब सही साबित कर दी है हमारे DFC के इंजीनियर्स ने। सचान जी का कहना है कि अब जो 650 किलोमीटर का ट्रैक है रेवारी टू पालनपुर, जो कि गुजरात में है, वहाँ तक का काम 90% कंप्लीट हो गया है। मतलब मदार तक तो हो गया है 100%, मदार टू पालनपुर जो है वो 90% तक काम हो चुका है। छुटपुट काम जो है वो बहुत जल्द 31 मार्च तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर सोच रहा है DFC एक ट्रायल लेने की, और इस ट्रायल के बाद 1-2 महीने बाद आपको वहाँ पर भी फ्रेट ट्रैफिक देखने को मिलेगा। मतलब 650 किलोमीटर का सेक्शन ये DFC का सबसे बड़ा सेक्शन होने वाला है, जो बहुत जल्द खुल जाएगा फ्रेट ट्रैफिक के लिए। अभी मदार तक तो ट्रेनों का ट्रायल चल रहा है, इससे पहले 2018 में न्यू अटेली से न्यू फुलेरा तक तो ट्रायल ले लिया गया था, उसके बाद अब मदार तक भी हो रहा है, मदार के बाद अब पालनपुर बहुत जल्द खुल जाएगा। और जो भी काम बाकी है वो ट्रैक वगैरह का काम नहीं है दोस्तों, ये सिग्नलिंग और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, जो कि करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा DFC को, और ये लगभग आपको 31 मार्च तक देखने को मिल जाएगा वहाँ को ट्रायल। अब इम्पोर्टेंट बात ये क्या होने वाली है, पालनपुर जो एरिया है वो गुजरात से रिलेटेड है, ये वो रेलवे स्टेशन होने वाला है DFC का जो कि गेम चेंजर होगा पूरे इंडिया के लिए। कैसे? दिल्ली तक लाना है हमें कोई भी सामान, मुंद्रा पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट या फिर जितने भी पोर्ट हैं गुजरात मुंबई से रिलेटेड एरियाज में, जो बाहर से बहुत इंपॉर्टेंट सामान जो आता है इंडिया के लिए, चाहे वो कच्चा माल हो, कोई भी इंडस्ट्री से जुड़ा माल हो, वो दिल्ली तक पहुंचने में अगर वाया रोड लाते थे तो लगभग 3-4 दिन लग जाते हैं। बहुत पैसा लगता है, टोल टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इशूज होते हैं, हमारी जो रोड की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो हमारे जो ट्रक से सामान आता है वो आने में भी बहुत टाइम लग जाता है, पूरी तरीके से सामान नहीं आ पाता है। रेलवे उसको लाने की कोशिश करेगा वहां से सिर्फ और सिर्फ 20 से 24 घंटे के अंदर अंदर, ये प्लानिंग है DFC की। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मदद हो जाएगी इंडिया के लिए, और कितना अगर माल में कमी आएगी पैसे में ढोने में, तो समझ सकते हैं प्रोडक्ट में भी कमी आएगी, तो प्राइजेस गिरेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत मदद करेगा हमारा ये WDFC का, जो ये पालनपुर तक का पूरा ट्रैक होने वाला है। JNPT जो कि मुंबई में, वहाँ तक जोड़ने में अभी 2022 के एंड तक का टाइम लगेगा ऐसा बताया गया था, लेकिन जो पालनपुर है वो 2020 के अंदर ही खुल भी जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मार्च के 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ पे फ्रेट ट्रैफिक देखने को मिलेगा।
तो जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान से गुजरात तक जो भी ट्रैक जा रहे हैं वहाँ पर मालगाड़ी का चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पैसेंजर ट्रेन्स ही ट्रैक्स की कमी होने की वजह से इतना अच्छी स्पीड में नहीं चल पाती हैं। तो मालगाड़ी का तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होता होगा। तो जब से DFC ने थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र करा है मदार तक, तो बहुत हेल्प देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। तो पालनपुर तक का देखते हैं कब तक बहुत जल्दी खुल जाता है। तो 31 मार्च तक का मैंने DFC और EDFC दोनों में आपको बता दिया है कि काम पूरा कर दिया गया है लगभग। अब आपको वहाँ पे ट्रायल तो जैसे हो चुके हैं, ट्रेन जल्दी देखने को मिलने वाली है और मैं आपको आपको बताता रहूँगा कि मार्च के बाद क्या होता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अगर वहाँ रहते हैं पालनपुर के बीच में, मदार के आसपास, जहाँ पे भी अगर आप कहीं रहते हैं, तो आप मुझे अपडेट कीजिए। आपकी दी गई कमेंट और भी लोगों को बहुत ज़्यादा आश्वस्त करती है कि हाँ सच में काम इतना हो गया है। और जैसे कि मैंने भी बहुत ज़्यादा अगर रिसर्च करता रहता हूँ तो मुझे पता लगता रहता है, और हमारे जो MD साहब हैं वो भी बहुत सारे इंटरव्यूज देते रहते हैं, तो वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही ही बोलेंगे। तो आपके और भी दोस्त अगर DFC की जानकारी लेना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कमेंट करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।